सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ब्लॉक अनवांटेड, ब्लॉक अनवांटेड में कैसे भी आपके अनवांटेड कॉल्स हो, मैसेजेस हो, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये वाला इन्होंने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में डाला है। तो ब्लॉक ब्लैकलिस्टेड नंबर यहाँ पर जाकर ऐड कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट्स में। फिलहाल यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में नंबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कि अगर आपने सिम कार्ड इंसर्ट किया हो तो इंस्टेंटली आपको दिखाई देगा कि क्या क्या कॉन्टैक्ट्स है। अगर उस किसी नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से ज़रूर कर सकते हैं। वैसे ही ब्लॉक हरासिंग कॉल्स तो ऑटोमेटेड भी रहेगा, कुछ नंबर्स अपने आप लेकर वो ब्लॉक कर देगा। रिजेक्ट कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, अगर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है नंबर्स, अननोन नंबर्स आते हैं उनको ब्लॉक करना चाहते हैं तो जस्ट एनेबल कर दीजिए, कोई अननोन नंबर्स आपको आता ही नहीं। तो दैट्स ए ऑसम फीचर, तो बहुत ही अच्छा फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉक अननोन नल इनकमिंग कॉल नंबर्स। नल यानी कि अगर वो अपना प्रोफाइल का कोई भी नाम नहीं दिया है तो नल करके होगा, तो इसके ऐसे नंबर्स आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनेबल करना है। तो एक बढ़िया फीचर है, आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड वैसे ही सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में फाइल सेफ बॉक्स करके है, इसको पासवर्ड देना है पहली बार। ये वाला फाइल सेफ बॉक्स आप जस्ट एप्लीकेशंस में, यहाँ पर फाइल मैनेजर जो है, फाइल मैनेजर पर भी आपको मिलेगा। तो दिस इज़ द फाइल मैनेजर, यहाँ पर देखिए फाइल सेफ करके है, मतलब कि सेफ अपना सेफ तिजोरी, यानी कि जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स हो, फोटोज हो, वीडियोस हो, कुछ भी आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फाइल सेफ में रख सकते हैं पासवर्ड देखकर। तो यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शंस है, 4-डिजिट पासवर्ड, अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड, पैटर्न पासवर्ड। तो चलिए अभी पैटर्न लगाएंगे हम, आप अपना कॉम्प्लेक्स पैटर्न लगाइए, सिंपल वाला नहीं ऐसा। वैसे देखिए पिक्चर्स है, मूव इन, मतलब कि अभी इसमें क्या क्या लाना है। तो यहाँ पर टैप करें तो जो भी पिक्चर्स है, फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मैं प्राइवेट में लाना चाहता हूँ तो जस्ट टैप करना है बस, एंड यहाँ पर फाइल सेफ में पहुँच गया। ये वाला वहाँ पर आपको जहाँ गैलरी रहता है वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो इसके वजह से आप इसको, अगर ऐसे वाले आप अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप हमेशा फाइल मैनेजर में आके फाइल सेफ में आना है एंड वो वाला पैटर्न ज़रूर देना है। तो यहाँ पर आप एडिशनल फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं। तो ये वाला भी एडिशनल फीचर है विच इज़ रियली ऑसम, मतलब कि अभी मैं अगर फाइल सेफ ओपन करना चाहूँ तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फेस रिकग्निशन से देखिए झट से अनलॉक हो गया, तो ऐसे अनलॉक करेगा, विच इज़ रियली नाइस फीचर। तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वेरी यूजफुल। वैसे ही फिर से हम सेटिंग्स पर जाएंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, तो कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट है। अगर आपको ये ज़्यादा कूल लग रहा है कलर्स तो आप इस चीज़ को एनेबल करके जितना कूलर चाहिए या फिर जितना वार्मर चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा वार्मर रहता है तो आई प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, यानी कि आपका आंखों को ज़्यादा ठेच नहीं पहुँचाएगा। एंड यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, तो ये वाला दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, फॉन्ट स्टाइल, तो अलग अलग फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वैसे ही फॉन्ट साइज़ है, ये छोटा दिखता है, लेटर्स तो आप पढ़ा सकते हैं यहाँ से, तो वो वाला एक फ़ीचर था। एंड नेक्स्ट फीचर स्मार्ट मोशन, तो स्मार्ट वे, ढेर सारे स्मार्ट रिलेटेड फीचर्स है इसमें वीवो में, आप जस्ट देखते जाइए कैसा कैसे आता है। स्लाइड अपवर्ड टू अनलॉक, मतलब कि देखिए अभी मैं लॉक करता हूँ तो यहाँ से स्लाइड अपवर्ड करूँगा तो देखिए रिकग्नाइज होके अनलॉक हो गया। तो ऐसे अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनेबल करना है। तो वैसे ही स्लाइड डाउनवर्ड टू टेक ए फोटो, चलिए इसको भी करते हैं, बस ऐसे करना है, वो अपने आप रिकग्नाइज करेगा। बूम, देयर यू गो कैमरा, एंड ये रहा, तो जस्ट ऐसे टैप करूँ तो कैप्चर हो गया। तो ऐसे क्विकली स्लाइड डाउनवर्ड, ऐसे ही ड्रॉ सी टू लॉन्च डायलर, तो क्विकली आप डायलर पर जा सकते हैं। एंड एम फॉर म्यूजिक, तो स्मॉल सी, स्मॉल एम, स्मॉल ई है लॉन्च ब्राउज़र, ऐसे ढेर सारे हैं, आप एक बार देखकर का जो इंटरेस्टिंग रहता है वो वाला आप एनेबल कर सकते हैं। वैसे ही ईयर ऑपरेशन, ब्लैंक स्क्रीन ग्लैंस, ये भी अच्छा है, देखिए ईयर अनलॉक एंड ईयर ब्लैंक स्क्रीन ग्लैंस, ये वाला मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा आपको। देखिए स्वाइप करते ही आपका जो भी नोटिफिकेशन रहता है यहाँ पर डिस्प्ले होगा, एंड वंस अगेन अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो अनलॉक करने के लिए अभी ट्राई कर रहा है। तो ये था ब्लैक स्क्रीन ग्लैंस एंड एयर अनलॉक, इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, वेरी हेल्पफुल फीचर है। वैसे ही स्मार्ट टर्न ऑन एंड ऑफ, तो रेज टू वेक, मतलब कि अगर आप मोबाइल ऐसे टेबल पर है लॉक्ड अगर उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली वेक होगा, यानी कि ऐसे लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा। वैसा ही डबल क्लिक टू लाइट, स्मार्ट की ब्राइट, मतलब अगर आप अंधेरे में रखेंगे यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिकली ब्राइट कर देगा स्क्रीन को। डबल टैप ऑन स्क्रीन टू टर्न ऑफ द स्क्रीन, तो ऐसे इंटरेस्टिंग है।
वैसे ही नेक्स्ट स्मार्ट कॉल तो कॉल रिलेटेड में अगर ऐसे उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिसीव कर देगा, तो वैसे वाला सेटिंग यहाँ से रख सकते हैं। स्मार्ट रिमाइंड शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, ये तो पहले से है फीचर, इसको एनेबल करेंगे तो मोबाइल शेक करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन होगा। एंड नेक्स्ट है स्मार्ट मिररिंग, तो अपने टीवी में या फिर कहीं पर भी आप अपना ये स्क्रीन मिरर करना चाहते हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल इस चीज़ से आप मिरर कर सकते हैं। वन हैंडेड, तो इतना बड़ा स्क्रीन है तो अगर छोटा करना चाहते हैं तो वन हैंडेड कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही एक्सेस वन हैंडेड कीबोर्ड यूजिंग जेस्चर, तो एक्सेस मिनी स्क्रीन यूजिंग जेस्चर ये वाला भी एनेबल कर सकते हैं। देखिए ऐसा जस्ट स्लाइड करके ऐसे छोड़ना है तो वन हैंडेड स्क्रीन मोड, तो ये यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ से चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट ऐसे करना है आपको तो यहाँ से आप वन हैंडेड मोड को इनेबल कर सकते हैं, तो क्विकली आप पूरा का पूरा मोबाइल इसी में संभाल सकते हैं, यानी कि ईजी टू रीच होगा, तो ऐसे क्विकली काम हो जाना चाहिए। जस्ट ऐसे आप जैसे जितना साइज़ चाहिए उतना कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो क्रॉस पर टैप करें तो डिफ़ॉल्ट मोड आ जाएगा। तो ये एक बढ़िया फीचर है वीवो Y95 में। तो वैसे ही स्मार्ट क्लिक भी है यहाँ पर, मतलब कि स्मार्ट क्लिक यानी कि जब स्क्रीन ऑफ होगा तो वॉल्यूम डाउन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर कुछ आपने अगर इनेबल किया है तो वो वाला वहाँ पर फंक्शन होगा। जैसे कि क्विकली अगर फेसबुक को ओपन करना चाहते हैं तो लेट्स से कि अभी स्क्रीन ऑफ है तो वॉल्यूम डाउन बटन एक बार प्रेस करता हूँ तो इंस्टेंटली फेसबुक ओपन हो जाना चाहिए। लेट्स सी, देखिए फेसबुक ओपन हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू यूटिलाइज दीज फीचर्स, तो ऐसे यूटिलाइज करके इन फीचर्स को आप करें। मान लीजिए अगर किसी का रिकॉर्डिंग करना है ऑडियो रिकॉर्ड क्विकली, तो बार बार आप फ़ोन ओपन करके वहाँ पर एप्लीकेशन पर जाके ढूंढ के ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना है ना, तो क्विकली अगर किसी को पता नहीं चले वैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो जस्ट होल्ड करें बटन को, देखिए ऑडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया भाई, विच इज़ रियली ऑसम। तो ऐसे आप ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो ऐसे वाले फीचर्स है इसमें, तो ज़रूर इसको यूटिलाइज़ करके आप अच्छा फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए। तो होपफुली अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।